नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल बिल मिरर, हर पल आपके साथ। सर, अभी आपका बिहार में जो बाढ़ आया था उसमें आप लोग पार्टी का क्या विचार कर रहे हैं? देखिए, बिहार में दो तरह की चीजें, एक तो बाढ़ है और एक पटना में जंग है। हम लोगों की टीम में बाढ़ में कई से भी रहे, लेकिन तमाम इलाकों में जहाँ हमारी पार्टी की मदद लाया था, जो भी असम के बाहर काम हम लोगों ने किया है, लेकिन ये काम सरकार को जिस स्तर पर करना चाहिए। सर, इसमें आप देखेंगे अभी जनता पार्टी के अध्यक्ष है, आगे बढ़ो, लेकिन आप कभी राजनीति के अंदर ये किया, आपने प्रचार किया इस पर? देखिए, बहुत सारी चीज इस आपदा में प्रचार से प्रचार मुझे मेरी व्यक्तिगत जो चीजें या पार्टी की भी राय है कि हम काम करते दिखे, प्रचार करते न दिखे। तो जो लोग प्रचार कर रहे थे कर रहे थे, बहुत से रामकृपाल जी तो प्रचार करने के चक्कर नदी में गिर गए, ये पानी में गिर गया, तो चला गया, काम नहीं करना चाहता। क्योंकि हम लोग कई एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क भी था, उनका इस्तेमाल कर रहे थे, तो एनजीओ वगैरह के साथ जो काम करने का मतलब ये है कि उनको अगर नाम मिल जाए तो उनको ज्यादा हम लोग, जैसे अब जो पार्टी का कोई कार्यक्रम बनाएगी उसमें दिक्कत एक और ये हुई कि बहुत सारे नेता कुछ जल जमाव में फंसे हुए थे, बाढ़ में फंसे हुए थे, हम लोग जो काम कर रहे थे तो उसका बहुत प्रचार प्रचार में बहुत ज्यादा इस तरह के काम क्या प्रचार किया गया, और जिनको प्रचार करना है साथ लोग लगे हुए, तो दवाइयाँ दी, ये कपड़े दिए, चूड़ा और गुड़ वगैरह पूरे दुनिया के और पटना में लोगों को। दरअसल अपू यार अपू जी के अपना काम करने का तरीका हमारे को सब बात आगे बढ़ते राजनीति पे आते हैं। अभी आपका चुनाव चल रहा है, आपका चार सीटों पर चुनाव है, लेकिन लोकसभा आपकी पार्टी पांच एक आपका अपनी पार्टी क्या है? हम महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन से ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। पांच सीटों पे विधानसभा की पांच सीट है और एक लोकसभा की सीट है। अभी हमारे हम वहाँ कर तो सर, जो आपका रिकेश सहनी जी एक सीट पे और एक सीट आपका नेताराम मांझी जी चुनाव में लगे किए हैं, तो आप लोग क्या उनका समर्थन नहीं कर रहे? हम महागठबंधन के साथ, महागठबंधन का जो दल है हम उसी उसी का समर्थन। तो आपको आपने टिकट मांगा या आपको टिकट नहीं? नहीं, चूंकि देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अब महागठबंधन में सीटें किसकी, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो महागठबंधन में नहीं था, हम लोग एनडीए में, और सीटें हम लोगों ने बनती नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगले साल मुझे लगता है कि हम महागठबंधन में को जिताने में अगर अपनी पूरी ताकत लगाए तो पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर है बनस्पत के चुनाव। तो सर, आप हम लोग के चैनल से क्या माध्यम से क्या देना है आपको, जितना आवाज क्या संदेश देना है? हम जितना हम ये कहते हैं कि महागठबंधन को मजबूत करें, सब लोग मिलकर मजबूत करें, क्योंकि अगर अगले साल चुनाव है और नीतीश कुमार की सरकार से लोग नाराज हैं, इन 15 सालों में हम लोगों का नारा है कि 15 साल बिहार बताएं, और अगर एग्जिट होके अभी से नहीं लगेंगे तो हम तमाम लोगों के लिए, सिर्फ महागठबंधन तमाम दलों के लिए ये बेहतर चीज नहीं है। 12 अक्टूबर को महागठबंधन ने एक बड़ा कार्यक्रम पटना में किया था, उसमें सारे और तमाम दल में जैसे भाजपा भाजपा माले माकपा भी आई थी, तो एक बड़ा संदेश हम लोगों ने देने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और काम करेगा। वामपंथी दलों के साथ भी बातचीत करके और इस महागठबंधन को और बड़ा बात। तो सर, ये जो आपका गठबंधन का बात बोलते हैं महागठबंधन की, ये दो पार्टियां जो अलग होती चुनाव लड़ रही थी, ये साथ हमारे अंदर रहा कहाँ? नहीं, तो महागठबंधन ही महागठबंधन के साथी हैं, वो भी प्रचार महागठबंधन का ही कर रहे हैं, उनके प्रचार अगर देख लिया, ये उनकी सोच है, उनकी पार्टी का सोच है, रालोसपा का सोच ये है कि महागठबंधन के साथ तमाम दलों को
आना चाहिए, लड़ना चाहिए, नहीं करेंगे तो नुकसान सकता है। सर इसमें भी बिहार के मतलब जनता दल के कुछ नेताएं बोल रहे हैं कि महागठबंधन में वो मुस्लिम प्रत्याशी ना जीते, इसलिए आप दो जो सीटों का जो जहां पर आते मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है और दोनों जगह पर आपका ये टिकट आपका जीतना मांझी और एक जगह से आपका शहरी चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या ठीक है? ये तो जदयू के सोचने की बात है। जदयू अपने घर को ठीक करे, भाजपा के साथ इनके किस तरह के संबंध है, कहाँ कहाँ उनका विरोध हो रहा है, अपना घर पहले संभाले, दूसरों को घर में झांक ना करे, अपना घर संभाले, हमारा घर बहुत। तो सर आप लोग अगला बार जो 2020 का चुनाव है उसमें तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? अभी महागठबंधन में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तय कर लेंगे हम लोग, अभी तो तय नहीं हो रहा है। अभी हम महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चाहती है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चाहती है कि तुम कुशवाहा मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये हमारे सिर्फ चांस तो महागठबंधन कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, उम्मीद है कि बहुत सकारात्मक संदेश हम लोग बिहार को मिल जाते हैं। आप लोग का जो अभी जो अभियान चल रहा है शिक्षा एक मजबूत के, उसमें भी आगे नहीं, हम लोगों का प्रोग्राम अभी जन संदेश यात्रा जल्दी मेरे ख्याल से नवंबर से शुरू हो जाएगी, हर जिला में 3 दिनों तक जन संदेश यात्रा होगी, उसमें हम लोगों ने 6 मुद्दे हैं जिसको हम लोग उठाएंगे, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, ये 6 मुद्दे हैं, इन 6 मुद्दों से 3 दिन हर जिला में जन संदेश यात्रा होगी। पहले दिन पढ़ाई और कमाई पर होगी, दूसरे दिन सिंचाई और कमाई से होगी और तीसरे दिन कार्रवाई और सुनवाई। ये मुद्दे ऐसे हैं, पढ़ाई दवाई जैसे कि अस्पतालों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत बिहार में खराब है, स्कूल से लेकर अस्पताल तक हम लोग यात्रा निकालेंगे। दूसरे दिन सिंचाई और कमाई, किसानों की स्थिति बहुत खराब है वहाँ और युवाओं को कमाई नहीं मिल रही है, साधन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा उनके मुद्दों, किसानों के किसी किसान के यहाँ से निकल के हम लोग किसी स्किल डेवलपमेंट वगैरह के केंद्र तक जाएंगे और तीसरे दिन कार्रवाई और सुनवाई, यानी आज लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खत्म हो रही है, अत्याचार बलात्कार गर्भगोचर और जिस तरह से हो रहा है अपने आप में बहुत महाजंगल राजा आप इसको कहिए, तो अंतिम दिन वही कार्रवाई और सुनवाई की, पहले सबसे पहले कार्रवाई करेगी और फिर अदालतों में सुनवाई जल्द से जल्द, ये अभी हम लोगों का जन संदेश है। धन्यवाद सर।